लेफ्ट साइड पे अभी एक क्रिकेट अकेडमी आ जाएगी जो डेवलप्ड है, ऑपरेशनल है, यहाँ मैचेस हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको यहाँ नज़र आते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको ट्रैफिक का कुछ आप कह लेंगे माहौल ज़्यादा नज़र आता है, तो उस ट्रैफिक जैम भी समटाइम मिलती है। अभी हम फेज़ टू फार्मर्स फार्म्स फेज़ टू में अभी हम एंटर हो रहे हैं। जी अस्सलाम व्यूअर्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बरकी रोड पे, और ये जो वीडियो का जो पर्पज़ है वो फार्मर्स फार्म्स बरकी रोड को डिस्कस करना है और उसकी जो लोकेशन है, काफ़ी लोग हमसे उसकी लोकेशन के बारे में पूछते हैं। हमने वैसे अपनी पिछली वीडियोज़ में लोकेशन के बारे में गाइड किया हुआ है, लेकिन ये भी एक डिटेल्ड वीडियो सिर्फ जो फार्मर्स फेज़ वन फेज़ टू की जो लोकेशन है, ऑन ग्राउंड लोकेशन है, यानी जो गाइडलाइन दिया जाता है कि आपने कौन से एरिया से या कौन से चौक से या कौन सा ऐसा फेमस एरिया जहाँ से आप कह लें कि फार्मर्स की तरफ जा सकते हैं। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने अपनी जो लोकेशन गाइड की थी वो हमने DHA के अंदर से गाइड की थी, यानी DHA के अंदर से जो एक्सेस थी टूवर्ड्स बरकी रोड उसको हमने डिस्कस किया था। आज जो ये वीडियो है इसमें हम लोग फार्मर्स फेज़ वन टू की लोकेशन तक जाएंगे और हम जो अभी जो स्टार्ट ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं बरकी रोड पे लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बिल्कुल सामने से। यानी अभी जो मैं मौजूद हूँ ये अभी हम लोग शबीर शरीफ शहीद रोड पे मौजूद हैं और ये एग्ज़िट है बरकी रोड का। यानी अगर मेरे राइट साइड पे आप देखें तो ये लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और ये भी हम टूवर्ड्स बरकी रोड पर अभी टर्न ले रहे हैं। विद इन सेकेंड्स अभी हम बरकी रोड पर चले जाएँगे। ऊपर आप डायरेक्शन बोर्ड देख सकते हैं, यानी बरकी रोड है और लेफ्ट साइड पर हम कैंट एरिया एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं और सामने फिर IVYZ सेक्टर भी है। तो यहाँ से अभी हमने DHA से एग्ज़िट ले लिया है और अभी हम टूवर्ड्स बरकी रोड जा रहे हैं और अभी ये यहाँ से जब हम राइट लेंगे तो बरकी रोड की तरफ हम लोग टर्न ले लेंगे और यही जो मेन एक्सेस है जहाँ जिसको फॉलो करते करते आप फार्मर्स फेज़ वन फेज़ टू और इसके अलावा भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बरकी रोड पर उस पर आप जा सकते हैं। तो ये भी हमने अभी अपना ये जो जर्नी है स्टार्ट कर ली है और ये जो वीडियो का पर्पस भी यही था कि काफ़ी लोग हमसे इसकी लोकेशन के बारे में पूछते रहते हैं कि जी आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें आप हमें एक आसान वे गाइड करें जो बंदा फर्स्ट टाइम जा रहा हो फार्मर्स फार्म्स में। तो ये भी राइट साइड पे ये लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बड़ी फेमस ये यूनिवर्सिटी है, ये भी हमने क्रॉस कर ली है और ये भी आप देख रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन और कार्पेटेड रोड आपको नज़र आ रहा है। जो लोग बरकी रोड पे आते जाते रहते हैं उनको ये चीज़ नई नज़र आएगी क्योंकि ये काफ़ी अरसे से ये रोड जो है आप कह लें कि इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट प्लान्स में था और अभी ये कंप्लीशन हो चुका है, विच इज़ अ बिग न्यूज़। और इस ख़बर से भी काफ़ी मार्केट में तेज़ी रही है, काफ़ी आप कह लें कि बाइंग सेलिंग हुई है और जो प्राइसेज हैं वो भी काफ़ी ऊपर की तरफ गई हैं। तो अभी ये जो हम बरकी रोड पर हैं तो इसके जो राइट साइड वाला एरिया है सारा DHA फेज़ 7 का एरिया है। राइट लेफ्ट पे कुछ विलेजेस भी हैं, राइट पे अभी ये पंगाली विलेज है जो भी हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी आप कह लें ओपन लैंड है और यहाँ भी काफ़ी आप कह लें कि ज़मीनों की जो खरीदो फरोख्त है वो हो रही है। ये रोड आप देख सकते हैं बड़ा बेहतरीन और बड़े अच्छे तरीके से कारपेटेड रोड है जो अभी गवर्नमेंट ने इसके अप्रूवल के बाद इसका कम्प्लीशन किया था। ये इस टाइम हम लोग पंगाली विलेज क्रॉस कर रहे हैं जो बड़ा फेमस विलेज है, एक किस्म का मॉडर्न सिटी है क्योंकि इसके बिल्कुल साथ फेज 7 लगता है, पी ब्लॉक क्यू ब्लॉक लगता है। ये भी राइट साइड पे जो एरिया है ये DHA फेज 7 का है, क्यू ब्लॉक का कमर्शियल एरिया है, इसकी बैक पे फिर क्यू ब्लॉक के रेजिडेंशियल एरिया और बाकी भी जो सेक्टर है टी सेक्टर वगैरह लगता है। ये बिल्कुल जब तक हम BRB नहर तक पहुंचेंगे हमारे राइट साइड पे जितना भी एरिया है ये सारा DHA फेज 7 का एरिया है और फेज 7 एक बड़ा तेजी से डेवलप्ड होता हुआ फेज है DHA का, जिसमें बड़ी बेहतरीन आप कह लें कंस्ट्रक्शन हुई है पिछले 2 सालों में। और फेज़ 7 में चूँकि जो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रही हैं तो एक फेज़ 7 की प्राइसेस की वजह से भी फार्म हाउसेज को बड़ा बूस्ट अप मिला है, क्योंकि लोग फेज़ 7 से जब कंपैरिजन करते हैं इन प्राइवेट लैंड्स का तो ऑटोमेटिकली उनको एक डिफरेंस नज़र आता है।
इसी वजह से भी यहाँ भी काफ़ी आप कह लें कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बड़ा ना होने के बराबर है। यानी DHFA 7 से जब आप एग्ज़िट लेते हैं बरकी की साइड पे, तो वहाँ से हार्डली 5 to 8 मिनट्स की ड्राइव पे आपको बड़े इकोनॉमिकल प्राइस में आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, ज़मीनें मिल जाती हैं, तो जिसका बड़ा ठीक ठाक डिफरेंस है अगर आप उसका कंपैरिजन DHFA 7 के किसी भी कनाल के या 10 मरले के प्लॉट से करें। ये लेफ़्ट साइड पे जनरल ज़फ़र अब्बास, डेरा ज़फ़र अब्बास, ये एक बड़ी फेमस फार्म हाउस प्रोजेक्ट है और बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर बल्कि प्लॉट अवेलेबल ही नहीं है। ये भी जो आपको जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है, ये इसी कारपेटेड रोड जो नज़र आ रहे हैं और मज़ीद जो डेवलपमेंट हो रही है, ये इसी जो वाइट बरकी रोड की ही है, जो भी कंप्लीट हो चुका है, ये उसी का आप कह लेंगे खड़ी है। ये राइट पे अभी आप देखें, ये CCA Phase 7 का CCA 4 है, और इधर से भी आप कह लेंगे इसकी बरकी की तरफ एंट्रेंस है। ये भी काफ़ी फेमस रास्ता है, जो लोग ये रास्ता यूज़ करते हैं। हमने जो अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें हमने फार्मर्स की जो डायरेक्शन दी थी, हमने इसी रोड को फॉलो किया था, लेकिन अभी जब ये रोड कारपेट हो चुका है ये LSC से आगे BRB तक, तो अभी ज़्यादातर लोग यही रास्ता यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट रास्ता है, इसमें कोई कट नहीं है। आप इसी रास्ते को फॉलो करते करते आप कह लेंगे फार्मर्स की लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, देन फिर 300 मीटर अंदर आप जाते हैं तो Phase 2 स्टार्ट हो जाता है। इस रोड में आपको काफ़ी बाइक्स नज़र आएंगी, और इसमें आपको काफ़ी आप कह लेंगे हर तरह का यहाँ माहौल नज़र आएगा, रूरल एरिया जो टच है वो भी नज़र आएगा। तो ये भी एक खूबसूरती है इस एरिया की कि आप नेचर के ज़्यादा करीब करीब रहते हैं। ये इस टाइम हम लोग अभी BRB नहर पे पहुँच चुके हैं। यहाँ अमूमन आपको तकरीबन 30 सेकंड to 1 मिनट या आप कह लें कि 1 से 1.5 मिनट की सम टाइम ट्रैफिक जैम भी मिलता है, तो एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि अभी डेवलपमेंट डे बाई डे यहाँ इंक्रीज़ होगी। ये ब्रिज भी अप्रूव्ड हो चुका है, ये ब्रिज के भी इंशाल्लाह चांसेस हैं कि ये करीब ये भी वाइड हो जाएगा, और फिर यहाँ से आगे आपको मज़ीद डिवेलपमेंट नज़र आएगी। ये इस टाइम हम लोग अभी BRB के ऊपर मौजूद हैं, और बड़ा बेहतरीन इस टाइम आप कह लें कि ये फुल आबोदाब से BRB नहर जो है वो चल रही है। अभी ये BRB नहर क्रॉस करके भी राइट लेफ्ट पे जो रोड जा रहे हैं इसके ऊपर भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं फार्म हाउसेस के। जी इस टाइम अभी हमने BRB क्रॉस की है, तो अभी हम लोग बरकी विलेज में हैं, जो बहुत फेमस विलेज है। ये लेफ्ट पे आपको बरकी थाना भी नज़र आएगा, राइट साइड पर भी, और ये बरकी विलेज है। यहाँ आपको अमूमन जब भी आप इस रोड पे आते हैं तो यहाँ थोड़ी देर के लिए आपको ट्रैफिक का कुछ आप कह लेंगे बाहन ज़्यादा नज़र आता है, तो उसे ट्रैफिक जैम भी समटाइम मिलती है। आज तो वैसे लकीली कम है। ये रोड्स पे आपको बड़े तरह तरह के फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, और ये सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अभी आप जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो का पर्पस है, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है फार्मर्स Phase 1 Phase 2 फार्मर्स फार्म्स बरकी रोड, उसको उसकी जो लोकेशन का यानी एक जो गाइडलाइन है या गाइड मैप जिसे कह लें, उस पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और अभी हम लोग बरकी विलेज हमने ऑलमोस्ट क्रॉस कर ली है। जो ही बरकी विलेज आप क्रॉस करते हैं तो आपको ओपन लैंड जितनी भी नज़र आती है, यहाँ पिछले 5 सालों में बहुत तेज़ी से प्राइसेस ऊपर गई हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल प्राइसेस थी, तो यहाँ काफ़ी लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। इस टाइम भी हमने ये बरकी विलेज क्रॉस कर ली है। ये राइट पे आप देखें, बिल्कुल ग्रीन एरिया स्टार्ट हो चुका है। पिछले 3 से 4 सालों में 5 सालों में यहाँ बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुई है, हाँ वो रोड पॉइंट ऑफ व्यू से हो या ओपन लैंड की डेवलपमेंट की बात हो या फार्म हाउसेस प्रोजेक्ट्स की बात हो,
तो बहुत तेज़ी से यहाँ फार्म हाउसेस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डेवलप्ड हुए हैं। लोगों ने लिविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्रिएशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ फार्म हाउसेस बाइंग की है, इन्वेस्टमेंट की है। जिन लोगों ने आज से 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट की है वो 100% मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि वो इस टाइम प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो ये सारा एरिया बड़ा इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टर के लिए एक हब समझा जाता है और अभी भी इसमें बहुत स्कोप है। तो अभी हम लोग बस करीब हैं यहाँ से, अभी हम लोग फार्मर्स की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, जो मेन से कट है उस तरफ अभी हम कुछ ही देर में हम चले जाएंगे। ये भी कारपेटेड, बेहतरीन कारपेटेड रोड है जो आज से 3 साल पहले गवर्नमेंट ने कारपेट किया था। इस रोड पे अमूमन आपको वीकेंड पे बड़ा बेहतरीन आप कह लें कि गहमा गहमी नज़र आती है, क्योंकि वीकेंड पे लोग अमूमन अपने फार्म हाउसेस में जाते हैं और ये कोई ज़्यादा आप कह लें कि बहुत ज़्यादा कोई ट्रैफिक वाला एरिया नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा कार या ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ कंजस्टेड हो जाता है, ट्रैफिक जैम आपको कम ही मिलती है देखने। ये भी आप देखिए राइट पे छोटी कटिंग प्रोजेक्ट है, ये लेफ्ट पे लोगों ने मेन रोड के ऊपर अपने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम लोग फार्मर्स फेस टू की जो मेन से जो एंट्रेंस है उधर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे। ये बरकी जो विलेज है यहाँ से आलमोस्ट तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर बनता है, तो देन जो है आप टर्न लेते हैं लेफ्ट से। और ये अभी आप सामने देखें अब्दुल कादर क्रिकेट अकेडमी का ये सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी है। जो ही यहाँ से आप टर्न लेते हैं तो ये दोनों साइड पे बाउंड्री वॉल है। ये भी हमने क्रॉस कर लिया है और ये लेफ्ट साइड पे अभी ये क्रिकेट एकेडमी आ जाएगी जो डेवलप्ड है, ऑपरेशनल है। यहाँ मैचेस हो रहे होते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको यहाँ नज़र आते हैं प्रैक्टिस करते हैं। ये इस टाइम क्रिकेट एकेडमी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, अब्दुल कादिर इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। ये जो व्यूज़ आप रोड देख रहे हैं ये अपने ख़ुद इसको डेवलप किया है। ये पहले नैरो रोड था, अभी इसको हमने प्रॉपर वाइड किया है। कारपेट रोड है, बिल्कुल टोटली डेवलप्ड और एक नीट क्लीन कंडीशन में आपको नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, इस टाइम अभी हम लोग फेज़ टू की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अभी हम फेज़ टू फार्मर्स फार्म्स फेज़ टू में अभी हम एंटर हो रहे हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं किस तरह वाइड रोड का कॉन्सेप्ट आपको जो मुमा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो व्यूज, ये अभी हम लोग इसके अंदर मौजूद हैं और यही हमारा फेज़ टू है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो इसके अंदर की डेवलपमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में फिर बताना चाहूँ कि ये वीडियो का जो पर्पस था वो यही था कि जो लोग हमसे, जो हमारे रिस्पेक्टेड क्लाइंट्स जो हमसे पूछते रहे हैं कि आप कोई ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें अगर हम लेट से DHS या एयरपोर्ट की साइड से आ रहे हों तो हमें गाइडलाइन मिले, तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको बता दिया। और किसी किस्म की भी आपकी क्वेरी हो बरकी रोड पे फार्मर्स फार्म्स में, आपने प्लॉट लेना हो या सेल करना हो तो आप हमसे किसी भी टाइम रابطہ कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फिर हम अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।